आवाज बुलंद सलावत رحم الله من قرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ خدا اندھے عالم نے اس کائنات کو جن مقدس اور پاک و پاکیزہ ہستیوں کے طفیل میں خلق فرمایا ہے انہیں سے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارا ارادہ بس یہ ہے کہ ہم تم سے ہر رجس و کثافت کو دور رکھیں اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ میں نے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں روزانہ آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی اور آج بھی اسی کے ذیل میں چند منٹ آپ کے قیمتی وقت کے لوں گا۔ جب اللہ نے انسان کو خلق فرمایا اور دنیا میں بھیجا تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ بھی تو نہ جانتا تھا اور اس کی لا علمی کا اعلان اس نے خود فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس عالم میں بھیجا ہے کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے تمہیں اس عالم میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی تو نہ جانتے تھے، اور جب یہ جان گیا کچھ تو پھر انہی کے مقابلے پہ آ گیا جن کے طفیل میں اسے خلق کیا گیا تھا، انہی کے صدقے میں پیدا ہوا، انہی کا صدقہ کھا کے جیا، انہی کے طفیل میں یہ پلا بڑھا اور بڑا ہوا، اور انہی سے مطالبہ بیعت کیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کو اپنے یہاں ملازم رکھ لے اور جب ایک زمانہ ہو جائے اسے خدمت کرتے کرتے، تو
तो फिर वो अपने ही को मालिक समझ बैठे। लेकिन अगर मालिक समझ ले तब भी गनीमत, वो मालिक अपने आप को समझने के साथ साथ मालिक से तलब करे कि अब तुम खिदमत करो। तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि ये फलसफा कायनात है कि अल्लाह ने हर पस्त की जिम्मेदारी ये रखी है कि वो अपने से आला और अफजल के काम आए। और अगर ऐसा ना हो तो फिर तमाम कायनात चीखने लगती है, तमाम इंसानियत गोश बर आवाज हो जाती है। कब? जबकि मामला बरक्स हो। रोजाना आप न जाने कितने हैवानात को जबा कर लेते होंगे, आप नहीं करते तो दूसरे इंसान जबा कर लेते हैं। कभी किसी टीवी पे सुना कि आज इतने मुर्ग स्वीडन में जबा हुए, इतने बकरे जबा हुए, इतने फुला हैवानात जबा हुए? कभी ना सुना, टीवी पे नहीं, रेडियो पे नहीं, अखबार में नहीं, नेट पे नहीं, कहीं नहीं। लेकिन एक शेर ने हमला किया और इंसान को खा गया। वज्जो नहीं फरमाई आपने? एक शेर ने इंसान पे हमला कर दिया और वो खा गया, तो अब हर टीवी पर, हर अखबार में, नेट पे भी है, सब जगह। अरे भाई, आप हजारों हैवानात को रोजाना जबा करते हैं, आज एक हैवान ने एक इंसान को लुक्मे अजल बना लिया, कभी आपने अपनी बात तो लिखी नहीं कि हमने इतने हैवानात जबा कर दिए? आज एक हैवान ने एक इंसान को खा लिया, तो आप हैं कि जगह जगह से आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। क्यों रोजाना क्यों नहीं कर रहे हैं? आज ही क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं? रोजाना जुल्म क्यों नहीं कहते? आज क्यों जुल्म कहते हैं? इसलिए जुल्म कहते हैं कि अल्लाह ने हैवान को खल्क ही किया है इंसान के काम आने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि इंसान हैवान को अपने काम में लाए तो हैवान भी इंसान से अपना काम ले ले। नहीं, हैवान की जिम्मेदारी यह है कि जैसे जैसे इंसान कहे वैसे वैसे करता जाए। न जाने कितने लोग हैं जो रोजाना जमीन का सीना शक करते हैं, कोई हल चला रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी आता अखबार में, कभी किसी टीवी पे सुर्खी बनती है, कभी हेडलाइंस में आपने सुना कि आज इतने आदमियों ने जमीन का सीना शक कर डाला। नहीं, एक दिन इत्तेफाक से किसी इंसान को जमीन अपने सीने में छुपा ले, जमीन शक हो जाए, इंसान उसमें चला जाए, तो अब हर आदमी चिल्ला रहा है, आज बड़ी ज्यादती हो गई, आज बड़ा जुल्म हो गया, आज अजीबोगरीब वाकया पेश आ गया। क्यों? कहा कि जमीन ने एक जिंदा आदमी को निगल लिया। आप जो रोजाना जमीन पर ज्यादती कर रहे थे वो क्या था? कहा नहीं, वो ज्यादती नहीं थी, जमीन का फर्ज है इंसान के काम आना, जमीन का फर्ज है इंसान के काम आना। अल्लाह ने इस जमीन को खल्की इसलिए किया है कि इंसान इसके सीने को शक करे, अपनी रोजी के लिए अजनास इसमें पैदा करे। जमीन है कि इसे इजाजत दे, और अगर न इसका इसके काम ना आ सके तो फिर बंजर के ताने सुने, फिर बंजर होने के ताने सुने, अगर काम आ जाए तो फरमा बरदार, इताद गुजार, और अगर काम ना आई तो बंजर होने के ताने सुने। जमीन इंसान के काम आए, हैवान
इंसान के काम आए। न जाने कितने दरख्त रोजाना काट देते हैं हम, कितने दरख्त रोजाना काट देते हैं। कभी सुना कि स्वीडन में इतने दरख्त काटे गए आज? नहीं, यहां हो ना हो अफ्रीका में तो ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं कि इंसान उसके नीचे से गुजरे वो उठा लेता है जी। ऐसे दरख्त पाए जाते हैं कि सिर्फ उसके नीचे से गुजरे तो उसकी शाखें झुकेंगी, उठा लेंगे इंसान को, खून चूस के छोड़ देंगी। एक दरख्त ने उठा लिया, हर शख्स चिल्ला रहा है आज बड़ा बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई। क्या हुआ? का एक दरख्त की शाखें नीचे को झुकी, उसके नीचे से आदमी गुजर रहा था, उसे उठा लिया, खून चूस लिया, फेंक दिया। आपने तो रोजाना सैकड़ों दरख्त काट डाले। तवज्जो फरमा रहे मेरी बात पर? जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं इंशाल्लाह पहुंच गए होंगे। जमादात आपके काम आते हैं, नबातात आपके काम आते हैं, हैवानात आपके काम आते हैं, आप सबसे काम लेते हैं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन अगर आपको किसी ने लुकमे अजल बना लिया तो हर आदमी चिल्लाने लगा। क्यों? इसलिए कि फलसफा कायनात यही है कि हर पस्त अपने अफजल के काम आए। आज तक दुनिया यह समझ ही ना सकी कि 1400 साल पहले वाकई करबला हुआ था। आज तक जगह जगह क्यों जिक्र मजलिस सैयदुश्शुहदा होता है? अजीजों अगर ऐसा ही होता कि हुसैन को बैत करने का हक था और यजीद को बैत लेने का हक था तो कोई मजलिस बर्पा ना होती। बर्पा होना इस बात की अलामत है कि यजीद अपने हुदूद से तजावुज कर रहा था। चूंकि यजीद का फर्ज था हुसैन की बैत करे, ये अपने फर्ज को भूलकर हुसैन से बैत का मुतालिबा कर बैठा। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूंकि यजीद का फर्ज था, यजीद पस्त था, यजीद का फर्ज था कि वो हुसैन की बैत करे, इसने मुतालिबे बैत कर लिया हुसैन से। तब हर जगह यही सवाल है कि क्यों इसने सवाल, क्यों ऐसा किया इसने, क्यों मुतालिबे बैत किया? यजीद कौन था ये सब जानते हैं, हुसैन कौन थे ये सब जानते हैं। न जानते दो लफ्ज हैं, मैं अर्ज कर दूं आपके सामने। यजीद, यजीद वो है जिसकी मां ईसाई घराने से ताल्लुक रखती है, जिसकी परवरिश अपने ननिहाल में ईसाई खानदान में हुई, जिसमें हलाल और हराम की तमीज के बगैर खाया और पिया जाता है, ऐसे घराने में यजीद की परवरिश। बाप की तारीख अगर देखें तो दादा का अक्त बाद में हुआ, बाप को वजूद पहले मिल गया। ऐसे इंसान की औलाद यजीद और हुसैन, मिसदाक आए तथीर। हुसैन नवासे खातिमुल मुरसलीन, हुसैन फरजंदे सैयदे निसाए आलमियान, हुसैन हसन मुश्तबा के बरादर नामदार, हुसैन खुद भी सैयद और सरदार जवाना ने जन्नत के। तो अब यहां पर कोई ये ना समझे कि यजीद इतना बुरा था इसलिए उसे मुतालिबे बैत करने का हक नहीं था। नहीं, मैं तो कहता हूं कि यजीद बहुत बुरा था, जितना तसव्वुर कर सके उससे भी बुरा। तो मुतालिबे बैत नहीं था? नहीं, अगर वो अच्छा भी होता, अच्छा भी होता तो क्या हक के मुतालिबे बैत था? यजीद को तो छोड़िए, वो तो निहायत बदकिरदार इंसान,
मैं कहता हूं सलमान मोहम्मदी जो ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज थे, क्या वो हुसैन से मुतालबा बैत कर सकते थे? भला जब 10वें दर्जे पर फाइज होने के बाद, ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज होने के बाद मुतालबा बैत करने का सलमान को हक न हो, तो यजीद जैसे फासिक और फाजिर को मुतालबा बैत का हक कहां से हुआ? सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कौन सा हो तो मेहमान है बेचारे, थके हुए आए वहां से, इनकी आवाज कम निकले तो कोई शिकायत की बात नहीं, थका ना, मेहमान की आवाज कम निकलना भी चाहिए। अभी पता नहीं चाय भी पिए कि नहीं। मुझे आप लोगों से चिकवा नहीं, मैं तो आपके फेवर में बोल रहा हूँ, शिकवा इन हजरात से जो मेजबान है। आपने बड़े अच्छे अंदाज में नारा लगाया और जवाब में या अली। अरे भाई ये मैंने पहले ही रोज अर्थ किया था, ये इबलीस से जंग है, नारे हैदरी इबलीस से जंग। जहां जहां तक आवाज पहुंचे मैदान छोड़ के भाग जाता है, मैदान छोड़ के भाग जाता है, इसलिए कि उसके सर पे ताजियाना लगता है या अली का। ठहर जाए मैदान में, रुक जाए तो ताजियाना लगता है। अब उसे यहां रुक के क्या ताजियाने खाने? ताजियाने नहीं खाने, भाग के दूर चला जाता है। तो अब अगर अपने गले से लगाना चाहे तो कहें गले से लगाना तो यूं कहें, और अगर दूर भगाना है तो कहें या अली। वो आपकी मर्जी है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिज़दाक़े आए तथीर हुसैन इब्न अली, जिसके सदके में कायनात, जिसके तुफैल में कायनात, जिसकी हुकूमत अर्श पर भी है, जिसकी हुकूमत फर्श पर भी है। तो ये अर्श की मखलूक है कि फर्श की? आप यहां रह रहे हैं, जितने भी आपके इख्तियारात हो वो यही तो हैं। कभी सुना है आपने कि हिंदुस्तान में किसी ने कोई जुर्म किया हो, कोई खता की हो, वो भाग के आ गया स्वीडन, स्वीडन आ गया, और अब स्वीडन की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हमने तुम्हें माफ किया? नहीं, हिंदुस्तान में अगर जुर्म किया है तो वहां जुर्म बाकी है। माफ करने का हक किसे है? माफ करने का हक है वहां के सदर आजम को, सदर ममलकत को, प्राइम मिनिस्टर को, वहां के हाकिम को। लेकिन वो भी कब माफ करेंगे? जबकि उनके मुल्क में हो। आप यहां आ गए, वो कह रहे हैं हमने माफ किया, यहां वाला सदर वहां के मुजरिम को, वहां का सदर यहां के मुजरिम को माफ कर सकता है? नहीं, जहां का मुजरिम है वहीं की तो हुकूमत माफ करेगी। मुजरिम यहां का, हुकूमत वहां की माफ करे? नहीं, जहां का मुजरिम होता है वहीं की हुकूमत माफ करती है। मुतअद्दिद बार की सुनी हुई बात है आपकी, फितरुस आसमान से चला, इताबे इलाही का मुर्तकिब हुआ, फरिश्तों के साथ पहुंच गया दरे अहले बैत पर,
پیغمبر خدا کی خدمت میں التماس کیا, پیغمبر نے کیا فرمایا, لے جاؤ میرے حسین کے پاس. اور حسین نے بھی معاف کیا تو یہ فخر سے کہتا چلا, من مثلی میرے جیسا کون. میں کہتا ہوں مجرم کہاں کا ہے, خطا کار کہاں کا ہے. میں علیاذ باللہ فرشتوں کو خطا کار نہیں کہتا, مگر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ فطروس مبتلا تابع پروردگار ہے. تو اب پروردگار کی اگر خطا کی ہے تو پروردگار معاف کرے, پروردگار معاف کرے. پروردگار معاف نہیں کر رہا ہے, اتاب ہوا اللہ کی طرف سے, معافی مانگنے آیا در حسین پر. ارے اللہ سے معافی مانگے فطروس, اللہ سے معافی نہیں مانگتا. حسین کے پاس آ گیا, اب حسین کو چاہیے کہہ دے معاملہ وہاں کا ہے, مجھ سے کیا مطلب. مگر نہیں, جیسے ہی معافی مانگی حسین نے بھی معاف کر دیا. معاف کیا تو دلیل کا دلیل یہ ہے کہ بالوں پر مل گئے. اگر معاف نہ کیا ہوتا تو بالوں پر نہ ملتے. یہ بالوں پر ملنا علامت ہے کہ معافی ہو گئی. خطا کرے اللہ کے ہاں, معاف کرے حسین. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی حکومت زمین پر بھی ہے, آسمان پر بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جہاں تک حدود حکومت حسین ہے وہاں کا مکمل اختیار ہے, چاہے زمین کا مجرم ہو, آسمان کا ہو. زمین پہ اتاب ہو, آسمان پہ ہو, اتاب ہی نہیں چاہے عذاب ہو. اتاب اور چیز ہے, عذاب اور چیز ہے. اتاب اور عذاب میں فرق ہے. اتاب اس دنیا میں ہوتا ہے, عذاب آخرت میں ہوتا ہے. اتاب اس زندگی میں ہوتا ہے, عذاب مرنے کے بعد ہوتا ہے. وہ حسین جو عتاب پر اختیار رکھتا ہے, اس کا اختیار عذاب پر بھی ہے. جیسے اللہ نے یہاں اختیار دیا ہے کہ جسے چاہو معاف کر دو, ایسے ہی وہاں اختیار ہوگا جسے چاہو جنت میں لے جاؤ, جسے چاہو جہنم میں بھیج دو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آج میں چونکہ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ تو سب کہہ بھی نہیں سکا, لیکن بہت سی باتیں کہنا چاہی مگر وہ پھر بھی ناقص ہی میں کہہ پایا. پورا شرح میں باتیں بہت ادھوری رہ گئیں, بہت ناقص رہ گئیں. مگر میں ساری باتوں کو چھوڑ کے آج دو چار باتیں الگ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں عام طور سے کچھ باتیں آ جاتی ہیں جن کا حل نہیں ملتا. مثلاً یہی ہے کہ کیوں یزید نے مطالبہ بیعت کیا اور وہ لعنت کا مستحق ہو گیا, ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا. دوسری بات جو ذہنوں میں نوجوانوں کے آتی ہے, اور کہا جاتا ہے, سوال کرتے ہیں لوگ کہ کربلا میں جنگ ہوئی تھی, یہ یورپ میں کیا ضرورت ہے مجلسے کرنے کی, ایشیا میں کیا ضرورت ہے مجلسیں کرنے کی, افریقہ میں کیا ضرورت ہے مجلسیں کرنے کی, یورپ میں ہوئی تو کیوں, ایشیا میں ہوئی تو کیوں, افریقہ میں ہوئی تو کیوں. جنگ تو کربلا میں ہوئی تھی نا, عراق میں, عرب کی سرزمین پر. تو یہ جگہ جگہ جو مجلسیں کی جا رہی ہیں کیوں, کہہ دیتے ہیں لوگ. بات تو بجائے ہوتا بھی یہی عام طور سے کہ جہاں کا
मामला होता है वहीं खुशी या गम मनाया जाता है। अगर यहाँ की यूरोप की हुकूमत कोई दिन रखती है यौम आजादी मसलन यहाँ का, कोई और खुशी का दिन मानिए यहाँ का जो क्या क्रिसमस डे जी, इस क्रिसमस डे पर खुशी मनाएं गम मनाएं जो भी कुछ करें यही तो करेंगे, वही तो करेंगे जो जनाब ईसा का कलेमा पढ़ने वाले। अरब वाले क्यों करने लगे, मुसलमान क्यों करने लगे, और अगर करें भी तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि पड़ोसी का ख्याल करते हुए उसकी दिलजोई के लिए उसे मुबारकबाद दे दी बस। ऐसा तो नहीं है कि उसमें डूब जाए, ऐसा नहीं है, मगर हम देखते हैं कि आप नहीं, आप समझे कि हमने कर ली मजलिस हुसैन, नहीं, दुनिया की हर कौम, दुनिया के हर तबके में, हर खित्ते में, हर कौम में जिक्र हुसैन होता है। क्यों? बात तो करबला की है, करबला में होना चाहिए, ये जगह जगह क्यों हो रहा है अजीजों? इसलिए हो रहा है, मैंने अभी अर्ज किया कि जिससे मुतालिक मामला होता है वही खुशी या गम मनाते हैं। 26 जनवरी की खुशी हिंदुस्तान में मनाएंगे, यूरोप में नहीं, मगर करबला की याद सारी दुनिया में मनाई जाती है। क्यों? इसलिए कि बहुत लोग ये समझते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जो आए थे वो नमाज बचाने आए थे। इमाम हुसैन जो करबला आए थे रोजा बचाने आए थे। इमाम हुसैन जो करबला आए थे हज और ज़कात बचाने आए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इमाम हुसैन नमाज बचाने आते तो सिर्फ नमाजी यादे हुसैन मनाते, दूसरे नहीं। हज जो ज़कात बचाने आते तो हज जो ज़कात अदा करने वाले याद हुसैन मनाते, दूसरे नहीं। और बचाने की बात जहां तक है तो बताइए, क्या लश्कर यजीद में नमाज पढ़ने वाले न थे? पहला ही मरहला जब हुसैन और हुर की मुलाकात हुई तो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इख्तिदा में नमाज पढ़ी है। हुर के लश्कर ने इमाम के इख्तिदा में नमाज पढ़ी है। तो नमाज बचाने आए थे, नमाज तो पढ़ी जा रही थी, कुरान बचाने आए थे। कुरान तो सिफीन में भी बना में कुरान पत्थर ही सही, नेजों में बुलंद किए गए थे। और यहां जो कत्ले हुसैन के लिए आए थे इनमें भी न जाने कितने कारियाने कुरान थे, कुरान बचाने आए थे। न जाने कितने रोजादार थे जो रोजे रखते थे, रोजा बचाने आए थे। नहीं, अगर रोजा नमाज हज जकात बचाने आते तो सिर्फ रोजा रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले, हज करने वाले, जकात अदा करने वाले, या यूं कहूं कि सिर्फ मुसलमान याद हुसैन मनाते, उसके अलावा कोई नहीं। मगर आप एक मर्तबा दुनिया के किसी खित्ते में मजलिस हुसैन का ऐलान करके देखिए, हर रंग और नस्ल का आदमी, हर कौम और कबीले का आदमी, हर मजहब और मिल्लत का आदमी
हुसैन की याद मनाने में शरीक हो जाता है, चाहे नमाज ना पढ़ता हो, चाहे हज न करना चाहता हो, चाहे रोजा न रखता हो। तो इसका मतलब यह है कि कोई अलग से ऐसी चीज है जिसके लिए हुसैन जान दे रहे थे कि अगर ये शय है तो नमाज भी रहेगी, ये शय है तो रोजा भी रहेगा, ये शय है तो हज भी रहेगा, ये शय है तो जकात भी अदा करेंगे। वो क्या चीज थी? उस चीज का नाम है इंसानियत। और इसी वजह से हुसैन किसी एक तबके में महदूद न रहे, किसी एक फिरके में महदूद न रहे, बल्कि जहां जहां इंसानियत पाई गई वहां नामे हुसैन लेने वाले मिलते रहे। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, रोजा रखता है नहीं रखता है, हज करना चाहता है नहीं करना चाहता है, मगर नामे हुसैन लेता है। मगर यहां से थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है आम नजरिए से, इसलिए कि लोगों ने यह समझा कि हुसैन कुछ और हैं, इस्लाम कुछ और है, इसलिए इस्लाम से भले ही अपने को दूर समझे मगर हुसैन से नजदीक समझते हैं। मैं कहता हूं इन्होंने हुसैन की सीरत का मुतालिया किया ही नहीं, इस्लाम को सही तरीके से समझा ही नहीं। अगर समझ जाते तो खुद कहते कि इस्लाम कोई और शय नहीं है, सीरत हुसैन का नाम ही तो इस्लाम है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हुसैनी का तो नाम है इस्लाम, वरना इस्लाम है क्या अलग से? दीन जो भी कुछ है वो सीरत हुसैन है। इसीलिए तो कहा था ख्वाजा मेरी ने बड़े प्यारे अंदाज में, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। दीन है ही नहीं कुछ अगर हुसैन ना हो, हुसैन है तो दीन है। अब समझ में आया, हर आदमी का साथ उसके खानदान वाले देते हैं, उसके घर वाले देते हैं, उसके रिश्तेदार देते हैं। हुसैन के साथ अफ्रीका वाले, हुसैन के साथ यूरोप वाले, अमेरिका वाले। क्यों? इसलिए कि यहां दीन अस्त हुसैन। सबने समझ लिया कि इस्लाम मिट जाएगा अगर हुसैन ना हो, इसलिए कि इस्लाम कोई और से है ही नहीं। दीन अस्त हुसैन, हुसैन के वजूद का नाम इस्लाम है, इस्लाम हुसैन के वजूद का नाम है। वरना कहीं सुना है आपने कामयाबी तो मिले यूरोप की हुकूमत को, इनकलाब आ जाए, रेवल्यूशन पैदा हो, जंग हो जाए, कामयाबी मिले तो स्वीडन को, खुशी मनाई जाए अमेरिका में, कामयाबी मिले हिंदुस्तान को, खुशी मनाई जाए अफ्रीका में। कहीं सुना है? खुशी तब मनाई जाती है जब नजरिया एक होता है, ख्यालात एक होते हैं, मिजाज में हमाहंगी होती है। और यही नहीं बल्कि जहां तक जिसकी हुकूमत होती है, जहां तक जिसकी हुकूमत के हुदूद होते हैं, वहीं तक उसकी हुकूमत का परचम लहराया जाता है, परचम लहराया जाता है। न जाने कितनी जंगें हुई, तारीख भरी पड़ी है जंगों से। खुद सरकार दो आलम की हयात तैयबा में एक दो नहीं,
83 جنگیں, 40 سال تک خاموشی, 23 سالہ علی اعلان تبلیغ. اس 23 سال میں چھوٹی بڑی 83 جنگیں, اس کے علاوہ نہ جانے کتنی اسلامی جنگیں, غیر اسلامی جنگیں. کہیں سنا ہے کہ خیبر میں جب حضور نے کامیابی حاصل کی تو یہاں عیسائیوں نے پرچم بلند کیا خوشی میں؟ نہیں. کہیں سنا ہے افریقہ حکومت کو کامیابی ملی, امریکہ میں پرچم اٹھائے گئے؟ نہیں. جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے, ارے اور تو اور اس سے آگے کیا مثال دوں, میں ابھی گیا تھا ایک روز یہاں آپ کے جہاں سے شپ گزرتے ہیں جی, میں نے تو شپ وہاں دیکھا بھی نہیں لیکن جانتا ہوں اور دوسری جگہ تو دیکھیں. ہر شپ پر جس حکومت کا شپ ہوتا ہے اس کا پرچم ہوتا ہے, پرچم ہوتا ہے. اب اگر امریکہ حکومت کا شپ یہاں آ جائے تو انصاف سے بتائیے یہاں کا پرچم لگانا پڑے گا یا نہیں؟ یہ قانون ہے دنیا کا, شپ وہاں کا ہے, وہاں کا پرچم ہو نہ ہو جب یہاں آ گئے تو یہاں کا پرچم ضروری. پار کر دیے سرحد, ایشیا میں پہنچ گئے, پاکستان سے گزر رہے, کراچی کی بندرگاہ سے گزر رہے تو وہاں کا بھی پرچم لگائیے. کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ کس حکومت میں آ گئے. عزیزو, کربلا کی جنگ میں نے عرض کیا مثالی جنگ ہے, ہزاروں جنگیں دنیا میں ہیں مگر یہ جنگ ایسی جنگ ہے, ہوئی تو تھی کربلا میں, ہوئی تو تھی کربلا میں, لیکن اس جنگ میں کامیابی جب حسین کو ملی تو حسین کی فتح کا پرچم ساری دنیا میں لہرایا. ہندوستان, پاکستان, امریکہ, افریقہ, یورپ, ایشیا, ہر بر اعظم میں لہرایا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے یہ جنگ کربلا سے متعلق ہے, نہیں, بلکہ حسین کی حکومت ساری کائنات پر ہے. جب ساری کائنات پر ہے تو جہاں جہاں انسانیت ہوگی پرچم حسین بلند کیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پرچم حسین بلند کیا جاتا ہے جہاں جہاں انسانیت ہے, اس لیے کہ حسین انسانیت کو بچانے آئے, اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ حسین انسانیت کو بچانے آئے تھے اس لیے یہ بھی آشکار کر دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حکومت حاصل کرنے آیا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مال و دولت حاصل کرنے آیا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اقتدار کے لیے آیا ہوں, نہیں, بلکہ شب عاشور چراغ گل کر دیا, جاؤ چلے جاؤ جسے جانا ہو, پھر بھی نہیں گئے. میرے عزیزوں کے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ, پھر بھی نہیں گئے. حد تو یہ ہے کہ کہہ دیا کہ میں تمہارے سر سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں اور روز قیامت میں اپنے نانا کے سامنے شہادت دوں گا, گواہی دوں گا کہ یہ میری اجازت سے گئے تھے, ان کا قصور نہیں. مگر نہیں, کہا کہ آپ سے بہتر کوئی دنیا میں ہو تو اس کے پاس جائے, آپ سے بہتر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ابھی بھی انسانیت کی منزل تشنا ہے. حسین جس بات کو آشکار کرنا چاہتے کہ کربلا دراصل انسانیت کا درس دیتی ہے, جس کے یہاں انسانیت نہیں اس نے کربلا کو پہچانا ہی نہیں. یہ چیز کہ حسین بتانا چاہتے کربلا انسانیت کا مرکز ہے ابھی بھی تشنا ہے.
सुबह हो गई, 50 आदमी जंग मगलूबा में शहीद हो गए। अब भी ये बात तशना है, अब भी ये बात तशना है, कैसे ये मसला हल हो, जवान भाई शहीद हो जाए फिर भी ये मसला तशना है, जवान बेटा कत्ल हो जाए फिर भी ये मसला तशना है। हुसैन उजागर करना चाहते हैं कि पहचानो हम इंसानियत के अलंबरदार हैं, दुश्मन इंसानियत को पामाल करना चाहता है, इसलिए हर मरहले से गुजरने के बाद हुसैन ने अपने आखिरी हदीये आखिरी कुर्बानी को पेश किया, जिसे अली असगर कहते हैं, ताकि दुनिया पहचान ले इंसानियत कहाँ है, कौन इंसानियत का आलमबरदार है। कहने वाले तो बहुत हैं इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाम पर आगे बढ़ने वाले बहुत हैं, मगर पहचानो इंसानियत के आलमबरदार हम हैं। सोचिए, हर एक कह देता कि अब्बास ने जंग की तो क्या हुआ, उन्होंने भी तो चंद लोगों को कत्ल किया, वो मारे गए तो कौन सी बात, अली अकबर ने जंग की मारे गए तो कौन सी बात। हुसैन बताना चाहते हैं, तुम अब्बास को कह सकते हो, अली अकबर को कह सकते हो, कासिमोन और मोहम्मद को कह सकते हो, क्या मेरे असगर को भी कहोगे कि जंग की, क्या अली असगर को भी कहोगे तीर चलाए शमशीर चलाई, वो तो अपने पैरों से चल के मैदान में आ भी नहीं सकता था। हुसैन अपने हाथों पे अपने बच्चे को सवार करके लाए, ले आए हुसैन, दुश्मनों के सामने सवाल आब किया, बच्चे को पानी ना मिला, एक आवाज सुनाई दी, ऐना ऐना हुरमला, हुरमला कहाँ है, इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे, ना मुझे शहादत पढ़ना है, ना मुझे तफसीलात में जाना है, मैं एक मंजिल की तरफ आपको ला रहा हूँ कि हुसैन ने अपने हाथों पे अपनी नन्ही सी मैयत को लेकर, अपने लख्ते जिगर को हाथों पे लेकर पुकारा, मेरे शियो काश तुम करबला में होते, काश तुम करबला में होते, होते तो ये करबनाक मंजर देखते कि मैं अपने हाथों पे नन्ना सा लाशा लिए हुए था, मेरे बच्चे की प्यास तीरे से शोभा से बुझाई गई, होते तो ये करबनाक मंजर देखते, मैं पानी का सवाल कर रहा था और दुश्मन तीर चला रहा था। हुसैन ने याद किया आपको, मुसीबत के वक्त याद किया, और ले आए हुसैन अली असगर को खैमागाह में, सबके लाशें मख्तल में लिटा दिए। हुसैन ने अली असगर का लाशा मख्तल में नहीं लिटाया, बल्कि अली असगर की कब्र अपने हाथ से तैयार की। बस अजीज, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं यही एक बात है, और फिर आप जब तक इस तसव्वुर को पेश नजर रखेंगे, मैं समझता हूं किसी मुहिब की आंख से आंसू रुकेगा नहीं। हुसैन ने अपने हाथ से नन्ही सी लाश तैयार की, सबके लाशें मक्तल में, अली असगर को सुपुर्द लात किया अपने हाथ से, और उसके बाद शहीद हो गए। काफिला करबला से कूच कर गया, किसी का लाशा दफन न हुआ, सबके लाशें जमीने करबला पे, फरजंदे फातिमा का भी लाशा जमीने करबला पे, दुश्मनों ने अपने कुश्ताहे नजिस को दफन कर दिया, सबके लाशें जमीने करबला पे पड़े रह गए, जो हुसैन के मातमदार थे, हुसैन के हमदर्द थे, हुसैन पर जान कुर्बान करने वाले थे, उनके लाशें जमीने करबला पे हैं।
सिवाय एक लाशे के, सिवाय एक मैयत, एक जनाजे के, जिसे अली असगर कहा जाता है। लेकिन सैयद सज्जाद ने बएजाज वापस तशरीफ लाकर अपने बाबा समेत सबके लाशों को दफन करा दिया। अब तो सबके लाशें दफन हो गए, सबकी कब्रें तैयार हो गई, लेकिन ये सबकी कब्रें उस वक्त तैयार हुई जब काफिला कर्बला से चला गया। उस वक्त तक किसी की कब्र नहीं थी। कब्र अली असगर कब बनी है? काफिला हुसैनी कर्बला में है। हुसैन मजलूम ने अपने हाथों से मैयत तैयार, कब्र तैयार की, अपने हाथों से अली असगर को सुपुर्द लहद किया। लेकिन अजीजों, बस मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जो ज्यारत कर्बला से मुशर्रफ हुए हैं, मेरा सवाल उनसे है, जो नहीं जा सके खुदा उन्हें पहुंचाए, लेकिन जो जा चुके, मेरा सवाल उनसे, कोई बताए अली असगर की कब्र कहां है? अली असगर की कब्र कहां है? हुसैन ने अपने हाथों से कब्र तैयार की थी, जियारत को गए, अली अकबर की कब्र तो पहुंचे, अली अकबर की कब्र तक पहुंचे, और मोहम्मद के मजारात तक पहुंचे। हद तो यह है कि दूर हुर की कब्र तक पहुंचे, हुसैन की कब्र तक पहुंचे, अब्बास की कब्र तक पहुंचे। ऐ ज़ायरान कर्बला, अली असगर की कब्र की ज़ियारत क्यों ना करके आए? वो मकाम तो देखा होगा, वो जगह तो देखी होगी जहां हुसैन ने सवाल आप किया था। हाजा मकाम रजी, ये अब्दुल्ला रजी का मकाम है, जहां हुसैन खड़े हुए सवाल आप कर रहे थे। कोई जाहिर बताए कब्रे अली असगर कहां है? ये कब्र तो हुसैन ने अपने हाथों से तैयार की थी। किसी जाने वाले ने सोचा कि हम यहां तक आए, अली असगर की कब्र की ज़ियारत से महरूम क्यों है? अज़ादारो, अल्लामा बहरुल उलूम के हवाले से मैं सुनाता हूं आपको। अल्लामा बहरुल उलूम मुतअद्दिद बार ज़ियारत कर्बला से मुशर्रफ हुए, और दिल में एक बार यह ख्याल आया, मेरे मौला, अली अकबर की कब्र तो बाद में तैयार हुई मौजूद है, कासिमोन मोहम्मद की कब्रें बाद में तैयार हुई मौजूद है, अब्बास की कब्र बाद में तैयार हुई मौजूद है, आपकी कब्र भी बाद में तैयार हुई, सब कब्रें मौजूद है, अली असगर की कब्र कहाँ है? ऐ मेरे मौला, अली असगर की कब्र से अब तक महरूम हूं, क्या अली असगर की ज़ियारत लाओगी? रोते रहे, सवाल करते रहे, कब्र मुबारक के पास पहुंचे, जरिए अकदस पे हाथ रख के गिरिया करना शुरू किया। मेरे मौला, आज अली असगर की ज़ियारत किए बगैर वापस ना जाऊंगा। अल्लामा बहरुल उलूम कहते, मैं रोते रोते आलम रोया में पहुंचा, मैंने देखा जरिए मुबारक शक हुई और फरजंदे जहरा अपने कलेजे से नन्ही सी मैयत लगाए हुए जरी से बरामद हुए। ऐ बहरुल उलूम, अरे लो, मेरे लाल की ज़ियारत करना चाहते हो, ज़ियारत कर लो, बा मैंने दस्ते अदब जोड़े। मौला, अली असगर आपके पास कैसे आ गए? अली असगर की कब्र तो आपने तैयार की थी। कहा बहरुल उलूम, अरे ना सुन सकोगे, क्या जुल्म हुआ? ऐ मौला, बताइए तो सही, फरमाइए तो सही। कहा बहरुल उलूम, सुनना चाहते हो? कहा हाँ। कहा जब लाशाए शुहदा को शुमार किया गया, 72 लाशें और सरों को शुमार किया गया, 71 सर, पिसरे साद ने कहा अगर 72वां सर न मिला तो हमें इनाम न मिलेगा, चलो चलो तलाश करो। वो नन्ना सा अली असगर जिसको हुसैन ने अपने हाथों से सुपुर्द लहद किया था, उसका सर लेके आओ। अल्लामा, ऐ बहरुल उलूम, अरे ये सुनते ही फौज अश्किया जमीने कर्बला में नेजे चुबोती चली, चुबोते चुबोते एक मंजिल वाई, नन्नी सी मैयत एक नेजे के साथ आ गई, जालिम ने सरोतन में जुदाई की, लाशे अली असगर को माँ की तरफ फेंका। ऐ मादरे अली असगर, ले अपने लाल को ले जा। रबाब ने देखा, ताबे जब्त न रही,
तड़प गई, आई आके कलेजे से बेटे को लगाया और ला के लाशे हुसैन पे रखा, मेरे वाली वारिस, मेरे बच्चे को मरने के बाद भी चैन ना मिला। ए मेरे मौला, अली असगर को शहादत के बाद भी चैन से सोने न दिए। خداوند واسطہ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود واسطہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، معبود واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارا حشر و نشر آل محمد کے ساتھ قرار دے، معبود بحق اہل بیت اطہار ہم سب کو زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما، بار بار مشرف فرما، معبود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے غلاموں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔